हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल एंड ट्रिगर पॉइंट। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं सृष्टि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो दयाराम सहनी ने किया था। चार ऑप्शन में से कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? दयाराम सहनी हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, क्यों कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त था। कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, वह शासक जो सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? त्राइन का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य की पृथक कर स्वतंत्र किया, बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से अलग कौन किया, स्वतंत्र कौन किया? तो मुर्शीद कुली खां। कौन किया था फ्रेंड्स? मुर्शीद कुली खां किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में बना था। कब बना था फ्रेंड्स? 1856, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कब अपनाई फ्रेंड्स? तो वो अपनाई 1858 ईस्वी के बाद, 1898 ईस्वी के बाद वो शासन अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था फ्रेंड्स, कितने वर्षों तक चला था? तो वो चला था 7 वर्षों, ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्षों के लिए चला था? 7 वर्षों के लिए चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज कहाँ से आए थे? तो आर्य समाज आए थे फ्रेंड्स केंद्रीय एशिया से। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? कब हुई थी फ्रेंड्स बताइए? तो हुई थी आर्य अवधि में जो है किसका रचना हुआ था? वो रामायण और महाभारत की रचना हुआ था आर्य अवधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? चार ऑप्शनों से बताइए कौन हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी फ्रेंड्स? बेगम खां और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? बेगम खां और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो था कहाँ का शासक था फ्रेंड्स? तो अफगानिस्तान का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो वाजीराम पेशवा का। किसका था फ्रेंड्स? वाजीराम पेशवा का, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार जो राज्य है उसको किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था फ्रेंड्स? तो खिलजी ने। क्या हो जाएगा? खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में
सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानों स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए फ्रेंड्स? तो किए थे सूरत में, गुजरात के सूरत एक शहर है, वहाँ क्या किए थे मुगल काल ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन थी फ्रेंड्स? निजाम थी। कौन थी? निजाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पुरंदर दास को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? पुरंदर दास को। क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासक काल में चीनी यात्री भारत आया था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो शाहजहां को। किसको? शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे फ्रेंड्स? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख समुदाय का अंतिम गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल जो डिजाइन किया गया था उसका वास्तुकार कौन था फ्रेंड्स? तो उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो किसको का माना जाता है फ्रेंड्स? कल्कि को माना जाता है। किसको? कल्कि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किसे महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पहले समझ लीजिए इसको। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किसी महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का। किसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स? पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो है लौह स्तंभ जो है किस राजा ने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किस समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स, बताइए। इसमें तो हम ऑलरेडी ग्रीन टिक लगा चुके हैं। ठीक है, तो वो किए थे आर्य समाज की। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया गया है? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो अकबर ने। अकबर ने क्या बनाया है? इबादत खाना बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी फ्रेंड्स? तो रजिया बेगम। कौन बनी थी? रजिया बेगम बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। ठीक है, कहाँ का था फ्रेंड्स? मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ का था? भारत में प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसने समाधि के कारण नंदेर का गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया जाता है? किसके समाधि के कारण, और से देखेंगे, किसके समाधि के कारण नंदेर गुरु द्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो वो माना जाता है फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसको? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? किसने किया था फ्रेंड्स, बताइए चार ऑप्शन में से। सुल्तान महमूद ने किया था। किसने किया था? सुल्तान महमूद ने किया था। किसको? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए चार ऑप्शन में से। तो अजंता का गुफा, ठीक है, सबसे पुराना स्तंभ। चार जो में कौन है पुराना है? अजंता का गुफा क्या है सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए चार ऑप्शन में से। तो पशुपति की, किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद क्या मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की लड़ाई का नींव मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई कब हुई थी फ्रेंड्स? मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, बताइए। चार को ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा इसका 23 जून 1757 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था आराम? 1763 में हुआ था आराम। ठीक है फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आरंभ जो हुआ था, आराम गौर से फरमाएंगे यहाँ पे, आरंभ जो हुआ था स्टार्ट 1763 में हुआ था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। कौन बनवाया था फ्रेंड्स? शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता फ्रेंड्स?
तो मुख्यमंत्री को, किसको, मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है, पेशवा कहा जाता था। ठीक है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो रंगीन फिल्म थी फ्रेंड्स, झांसी की रानी। ठीक है, कौन था? झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ फ्रेंड्स? तो 1871। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 1871 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? 1707। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 1707 में क्या लागू हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन लागू हुआ था 1707 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति जो है उसका जन्मदाता कौन था फ्रेंड्स? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने। किसने किया था फ्रेंड्स? लेनिन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? बताइए चार ऑप्शन में से, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1921 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था फ्रेंड्स, टटस्की ने किया था। टटस्की ने किया था। किसका? लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी फ्रेंड्स? तो वो किए थे मेकाले ने। किसने किया था? मेकाले। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय ने, मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। किसका? संस्कृत की शिक्षा में। ठीक है, किसमें? संस्कृत की शिक्षा में। क्या नहीं था? सरोकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स, उसके लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर था। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर उत्तरदायी था। किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स? बताइए, तो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ऑप्शन नंबर बी, किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। मैसूर, प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड विलियम माउंटबेटन ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों लगाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग लगाया था। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था?
किस वर्ष में म्यांमार जो देश है भारत से अलग हुआ था? तो 1937, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब अलग हुआ था फ्रेंड्स? म्यांमार जो देश है भारत से 1937 में अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।